अभी अव्वल में आ रहा है संजय कुमार कुशवाहा जी, राजेश कुमार वर्मा जो है दूर दूर तक कहीं नज़र आ ही नहीं रहा इसका। वो कैसर अली जी बहुत सुंदर किए हैं और अच्छा उनका रहा भी कार्यक्रम खगड़िया में लोकसभा के माध्यम से, और मान चलिए खगड़िया स्टेशन के भी उन्होंने अच्छा प्रोत्साहन दिए, अभी बन भी रही है वो लोग हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक लाइट है ना 10 साल के बाद एक बार लगा है, वो दो लाइट जो जल रहा है वो लाइट वो उधर से दिखाई पड़ेगा। एक भी जनरल योजना में पानी नहीं आता समय टाइम पर, बोलिए ये संसद का काम है या विधायक का काम है, सदर विधायक है छत्रपति यादव, देख रहे हैं काम बहुत अच्छा किया है। कहाँ पे किया है रोड का, कहाँ पे किया, कहाँ पे किया हमको पता ही नहीं कहाँ पे किया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। लगातार इस बार जितने भी तमाम सांसद के प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, वो कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे तो हर समय जब भी चुनाव होता है तो जो भी प्रत्याशी होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने मुद्दे लेते हैं, रोजगार की बात की जाए रोजगार के मुद्दे लेते हैं, लेकिन इस बार खगड़िया में जनता किन मुद्दों को लेकर वोट देगी? क्योंकि एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो राम मंदिर के नाम पर भी वोट की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कहना है लोगों का और ये कहना है साफ तौर से जो सत्ताधारी पार्टी है उनका। अब ऐसे में इन दावों में कितनी सच्चाई है लोगों के बीच में ही जानेंगे और किस आधार पर इस बार जनता वोट करेगी। इस वक्त हम खगड़िया की जनता के बीच में मौजूद हैं और खगड़िया की जनता ही हमें बताएगी कि आखिर जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े दावे जो हैं वो सांसद प्रत्याशी करते हैं, क्या लगता है इन दावों में कितनी सच्चाई होती है और जो भी वादे किए जाते हैं क्या ये पूरे होते हैं? पूरे कुछ भी नहीं किया जाता है, ठीक है, सिर्फ खाली बस बोला जाता है जब इलेक्शन आता है सामने ना, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद कोई पुराने बात भूल जाते हैं, 5 साल बाद अपना आराम से जो भी काम करते हैं, कुछ नहीं होता है। इस बार चेंज जरूरी है, होना जरूरी है चेंज, हाँ। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रीय अगर प्रत्याशियों की बात करें तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन खगड़िया के विकास के लिए काम कर सकता है? खगड़िया के लिए तो बोलिए भाई, आइए जो है एक खगड़िया का, खगड़िया के विकास के लिए कौन सही तरीके से? संजय कुशवाहा, संजय कुशवाहा जी। जो वादे करके जाते हैं प्रत्याशी पूरे किए जाते हैं सांसद बनने के बाद? नहीं, किसी से पूरा नहीं होता है, कोई नहीं पूरा करता है, किसी से पूरा नहीं होता है, जो जीत जाता है वो गया अपना घर बैठ गया। किसी लोगों के क्षेत्र का कितना विकास हुआ है ये बताइए, खगड़िया का जो अभी आपका ग्रामीण क्षेत्र है? 0% विकास। जब इलेक्शन आता है ना तो बोलता है तो हम सब कुछ करेंगे, उसके बाद 5 साल भूल जाता है, 5 साल भूल जाता है, सो जाता है बस, और कुछ नहीं करते वो। और लोगों से पूछिए क्या लगता है कितना विकास हुआ है? किस मुद्दा पर आप सवाल करना चाह रहे हैं? आप लोगों के क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? अभी वर्तमान की पूर्व की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कैंडिडेट में एक संजय कुशवाहा है, दूसरा राजेश कुमार वर्मा है खगड़िया लोकसभा से, और जिस समय राम शरण यादव लोकल कैंडिडेट में मिला था टिकट लोकसभा की, उसी बार फिर मौका देखने को मिल रहा है, कई वर्षों की बात संजय कुशवाहा को मिला लोकसभा के सीट, वो भी गठबंधन के माध्यम से, और राजेश कुमार वर्मा को जो मिला है टिकट ये तो भागलपुर, और भागलपुर से 35 किलोमीटर दूर, उसमें भी नदी के पार, वो तो यहाँ टक्कर दे नहीं सकता है। सवाल रही संजय कुशवाहा पर, संजय कुशवाहा का जिला खगड़िया, ब्लॉक भी खगड़िया, रामशरण जी के तो मान चलिए ब्लॉक मनसी ब्लॉक था, खगड़िया ब्लॉक नहीं था, तब पर भी जिला का था, सटा हुआ था। अभी अव्वल में आ रहा है संजय कुमार कुशवाहा जी, राजेश कुमार वर्मा जो है दूर दूर तक कहीं नज़र आ ही नहीं रहा इसका। ये तो रही प्रत्याशियों की बात, महबूब अली कैसर सांसद है वर्तमान में आपके, जब तक अगले सांसद नहीं आ जाते तो क्या लगता है कितना विकास आप लोगों के क्षेत्र का यहाँ पर हुआ है? अभी महबूब अली कैसर द्वारा
महबूब अली केसर द्वारा विकास फरकिया बेल्ट में उनका क्या हुआ है, बहुत अच्छा किया है। अगल बगल शहरी क्षेत्र नहीं हुआ वो अलग की बात है, मगर आवागमन जहाँ होना था वहाँ पुल पुलिया का जो जरूरत था एक गांव से दूसरे गांव का जुड़ना, वो कैसर अली जी बहुत सुंदर किए हैं और अच्छा उनका रहा भी कार्यक्रम खगड़िया में लोकसभा के माध्यम से। और मान चलिए खगड़िया स्टेशन के भी उन्होंने अच्छा प्रोत्साहन दिए, अभी बन भी रही है वो लोग हैं, बहुत अच्छा है। और साथ साथ अभी मेरे साथ जुड़ भी गए हैं और बहुमूल्य मेरा और बढ़ गया है ये चीज़। चलिए ठीक है, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का खासकर, कितना विकास अब तक हुआ है? अब किनकी कार्यकाल पूछ रहे हैं, चौधरी महबूब अली कैसर का काल पूछ रहे हैं या उनसे पहले कार्यकाल पूछ रहे हैं? दो बार से सांसद आपके चौधरी महबूब अली। देखिए एक लाइट है ना, 10 साल के बाद एक बार लगा है वो, दो वो लाइट जो जल रहा है वही वो लाइट वो उधर से दिखाई पड़ेगा, वो उधर लाइट है ना 10 साल के बाद। यहाँ के पब्लिक है ना रात में अंधेरे में, वो तो लालटेन का जमाना चला गया, टॉर्च का जमाना आया, तो वो एक लाइट दिया 10 साल में, जबकि हमारे पंचायत में कम से कम 4 से 5 लाइट चाहिए। जल नल योजना का आप कह रहने के बाद नीतीश कुमार जल नल योजना के पास गए, एक भी जल नल योजना में पानी नहीं आता समय टाइम पर। बताइए ये संसद का काम है या विधायक काम है या DDC का काम है या DM साहब का काम है, ये किन का काम है मैं ये पूछ रहा हूँ। जनता का अधिकार क्या है कोई संसद बताए या विधायक बताए हमें कि जनता का अधिकार क्या है, उनको खुद पता नहीं जनता का अधिकार क्या है, जनता का अधिकार का क्या है उनको खुद पता नहीं है, कोई प्रतिनिधि को पता नहीं जनता का अधिकार क्या है, सिर्फ वोट डालने का अधिकार है। जनता का अधिकार सिर्फ वोट डालने का है, संसद विधायक को योजना बेचने का अधिकार है, यही हो ही रहा है। जब वोट लेना होता है तब वोट लेना, बड़े बड़े वादे होते हैं, हाँ। ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं धरातल पर है। अब जाकर आप हमारे पंचायत में बछौता से लेकर और ये 2-3 किलोमीटर का हमारा एक फासला है इस रोड से नेक्स्ट रोड, आप रोड का हालत देख लीजिए, जर्जर टूटा पड़ा हुआ है। एक मकतब स्कूल है, 3 साल से लिख रहा हूँ, सांसद महोदय के पास गया, विधायक महोदय के पास गया जो वर्तमान में विधायक है वर्तमान में सांसद है, तो 2-3 बार मैंने, मेरे पास लेटर है, आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ सांसद महोदय का। ठीक है मैं दिखाऊँ तो नहीं मैं आपको जी वैसा ही होता है, जब वहाँ खोजने जाता है ना तो बोलता हम सोए हैं, अभी नहीं है हम सोए हैं, जाइए यहाँ से जाइए, कोई आदमी को वैल्यू नहीं देता है कि यहाँ जनता के समय में तो वैल्यू दे, वोट के समय में तो आपकी वैल्यू होती है, वैल्यू होता है उस वोट हो जाता है उसके बाद खत्म है वोट, वोट क्या है उसके बाद खत्म, हम आपको नहीं पहचानते हैं, बस कहिएगा नहीं है, कहेगा यहाँ नहीं है पटना चला गया है, कहीं बहुमूल्य वोट जाता है ना जिससे वो सामने के लिए आता है ना, तो बस भैया इतना बड़ा छोटा है ना तो हाँ भैया, अब बड़ा उसके बाद वोट जाने गए ना को भी बड़े बड़ा गया ना तो हाँ क्या है जाओ अभी नहीं है, बस यही बात होता है यहाँ, नहीं तो ऐसा में कितनी सच्चाई होती है, तो भी प्रत्याशी आते हम नहीं बोल सकते हैं, हम नहीं बोले नया बोल भैया एक मिनट मैडम, ये हमारे क्षेत्र के सदर विधायक है छत्रपति यादव, ये देख रहे हैं काम बहुत अच्छा किया है, कहाँ पे किया है रोड का, कहाँ पे किया, कहाँ पे किया हमको पता ही नहीं कहाँ पे किया, ये देखिए बढ़िया से फोटो देखिए, बस मेन रोड यही सेट है, कोई दूसरा सेट नहीं है, यही है। कितनी बार लेटर मैंने लिख चुका है, DM साहब को भी लिख चुका था, जब यहाँ जब अभी गर्मी है 2 महीने के बाद बरसात गिरेगा, मच्छर डेंगू मच्छर होता है, उसके लिए भी कितनी बार मैंने एप्लीकेशन लिखा, कभी कोई आता ही नहीं है। मुझे पता है विकास के मुद्दे पर सब आके वोट ले लेते हैं और क्या करते, फिर दिल्ली बम्बई में ही रहते हैं। देख सकते हैं कि साफ तौर पर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जो दावे और वादे किए जाते हैं चुनाव के समय में उनमें कितनी सच्चाई होती है, और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र जो कि आजकल हॉट सीट बना हुआ है उसको लेकर के जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, 10 न्यूज़ खगड़िया।